आज हम खड़े हैं मलेरकोटला के किले में। ये बड़ा ऐतिहासिक किला था जो नवाब से जुड़ा हुआ था। मलेरकोटला के नवाब इतिहास में उनका बड़ा स्थान है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों को जब दीवारों में चुनने का आदेश दिया था औरंगजेब ने, तो उन्होंने उस पर प्रोटेस्ट किया था, हाँ का नारा मारा था, और यहाँ पे जो जगह भी उन्होंने खरीद के दी थी उनके अंतिम संस्कार के लिए। तो ये एक ऐतिहासिक धरोहर है नवाब की, जिसका पंजाब के खासकर सिख हिस्ट्री के इतिहास में बहुत नाम है। पर आज क्या हम उसकी धरोहर के साथ क्या कर रहे हैं, देखिए किस तरह से इसकी हालात है। अब ये गेट पे देखिए खंडर बन चुका है, बिल्कुल पूरी तरह उजड़ चुका है। जगह जगह नशे के टीके फेंके हुए सिरिंजे पड़ी हैं, उन चीज़ों की भरमार है। ना ही कोई सैलानी, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन, ना कोई ASI इसको कभी भी संभालने की कोशिश नहीं करी है। ऐसा ही किला अगर कोई राजस्थान में होता तो यही पंजाबी या दूसरे लोग वहाँ 25-30-50 रुपए की टिकट देके उसे देखने जरूर जाते। पर यहाँ की सरकारों ने, चाहे वो किसी की भी रहे हों, यहाँ से मंत्री भी रहे हैं मलेरकोटला से, इन ऐतिहासिक धरोहरों की दुर्दशा कर दी है। अब हमारे पीछे देखिए जो खंडर बन चुका है, यहाँ से पीछे की दीवार भी गायब हो गई है, और वो ईंटें तक, क्योंकि ये छोटी ईंट है, जैसे हवेली जैसे रेस्टोरेंट बने हुए हैं उनमें आजकल इस्तेमाल होती है, काफ़ी कीमती ईंटें, पर वो गायब हो रही है। तो धीरे धीरे यहाँ की चीज़ें जो कीमती थी वो तो पहले ही गायब हो गई है, जो अब जिनकी कीमत बन रही है जैसे जैसे, और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये छोटी ईंट यहाँ से सारी गायब हो जाए। तो ये धरोहर बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, ये छोटी छोटी ईंटें भी गायब धीरे धीरे हो जाएंगी, और एक ये मैदान बन जाएगा शायद आने वाले समय में। और कोई भी जो युवा है उसको पता भी नहीं होगा कि मलेरकोटला की जो धरोहर थी, जो किला था, जो नवाब का जिनका इतना नाम था हिस्ट्री में, आज उनकी धरोहर को क्या हुआ। आइए चलते हैं गेट की तरफ, देखते हैं कि बाहर से कैसे हालात हैं इसके। बाहर से भी हालात आपको नजर ही आ रहे होंगे कि हम गेट से अभी बाहर की तरफ गए हैं, क्योंकि हम दूसरी तरफ से अंदर आए थे। ये गेट में भी देखिए दोनों तरफ जो घास और यहाँ खड़ा है, और जो बाकी देखिए ये देखने वाली चीज है, देखिए ये जो ये किस चीज के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, आप देख सकते हो कि ये किला आज किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ना ही कोई यहाँ आता है, ना प्रशासन की तरफ से, ना शहरियों की तरफ से। मैं आपको बाहर का भी दृश्य दिखाता हूँ। जो इस किले में काफी जो शूटिंग भी हो चुकी है, और फिल्मों की शूटिंग भी होती थी यहाँ पे, जो कैद खाना भी रहा है यहाँ।